हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वो हुआ अपना रश्मि और शहनाज बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, वो भी आसिम के ऊपर। भई शहनाज समझा रही थी आसिम के ऊपर, मुझे इतना ट्रस्ट नहीं रहा। जैसे वो हिमांशी आई थी, वैसे 24 घंटे वो तेरे के साथ रहता था, 24 घंटे बोलता रहे अपना रश्मि 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 ये करते हैं, रश्मि वो करते हैं। जैसे हिमांशी अंदर आई वो तेरा पूछा ही नहीं उसने तेरे को भाई कैसे था तू। और दूसरा उस टाइम फिर आरती बीच में आ गई, आपको पता ही आरती हर के बीच में आती जाती है। उसके बाद उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी अरहान को लेके, भाई वो दावे बाहर तो नहीं सॉल्व करना चाहिए, ये चीजें सही नहीं है, तो अरहान पे ज्यादा ट्रस्ट कर रही है। तो ये अरहान और आसिम के ऊपर उसको समझाते हुए वहां पे मिले। और दूसरी साइड शुक्ला साहब शहनाज को बैठ के समझा रहे थे, भाई देख तेरे को जो भी बाहर से आता है कोई फ्लिपर बोल देता है या कोई तेरे को अपना जैसे जेल्स बोल देता है, तो क्यों उसमें प्रॉब्लम आता तेरे को, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे जगह हर चीज फ्यूचर में कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा कुछ बोल देता है तो हर एक पॉइंट खड़ा बैठ जाएगी कोई ना कोई, तो अब तेरे को ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए। तो अपने दिल पे कभी मत लिया अगर बात को, और हमेशा स्ट्रांग रहा कर। और उसके बाद शुक्ला जी ने ये भी कल बोल दिया जैसे पहले हमेशा बोलते आ रहे थे कि भाई तू बाहर जाएगी तो भैया मुझे फोन मत करियो, मैं तेरे फोन नहीं उठाऊंगा, ये वो है। तो कल शुक्ला जी बहुत प्यार से बात कर रहे थे, भाई तू कोई अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी कभी प्रॉब्लम आए बाहर जाके, कभी भी कोई आए तो मुझे फोन जरूर करियो, मैं तेरे सामने तेरे हेल्प लिए वहीं हमेशा खड़ा रहूंगा, तो तुझे कोई भी प्रॉब्लम है मुझे फोन जरूर करियो। उसके बाद यही अपना शुक्ला साहब बैठे हुए अपना बातें कर रहे सिद्धार्थ शहनाज से, चल शहनाज हम बातें करते हैं कि 10 साल बाद हम मिले। तो बस वो अपने लगी हुई 10 साल तो मेरे 2 बच्चे हो गए, वो कह रहे अच्छा दोनों बेटियां थी, एक तो कहते किससे हुई, कह रही कार्तिक के अलग से बच्चे हुए थे और उससे अपना जो अपना गौतम उससे अलग बच्चे हुए थे, तेरे से भी एक बच्चा हो गया था, तेरा जो बच्चा वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है, जो कार्तिक है वो मैंने आश्रम में छोड़ दिए हैं, और गौतम गुलाटी के बच्चे भी थे तो वो भी आश्रम में पढ़ रहे हैं। कह रहा अच्छा तो जो हमारे पारस में तो उनके टच में रही थी, कह रहा पारस के टच में तो नहीं रही, बस ये यही है कि तेरे से चाहिए तो मुझे तेरे से हस्बैंड चाहिए, तो यही उनकी मजाकबाजी चल रही थी। और दूसरी साइड कल पारस और अपना महिरा का भी थोड़ा बहुत झटका मिलेगा, महिरा यहाँ पे आटा गूंढ रही थी, पारस बोल रहा भी कुछ बातें से बोल रहा था, वो कह रही तेरा काम है ब्रेकफास्ट है तू बना, मुझे कोई लेने देना नहीं है। वो कह रहा ठीक है तू जा यहाँ से, मैं अपने आटा गूंढ लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। तो यहाँ पे पारस और महिरा के बीच में झगड़ा हो गया, फिर वही चले गए वॉशरूम में, वहां पे अरे भैया बारह साहब वहां पे शेव सा कर रहा था ट्रिमर से, वो से वहां मनानी आई थी, मेरे कुछ धागा वागा बांध दे, कहते नहीं बांधता, जब तेरा मतलब होता तो आया थी, जब मतलब नहीं जाता मैं पार से बात करता हूँ ढंग से क्यों नहीं बात करती मेरे से। तो यहाँ पे आरती फिर बीच में कूद गई, आरती फिर अरे तुम लड़के हो रहे हो थोड़े दिन रह गए क्यों कर रहे हो, आरती फिर बीच में आपको पता है हर एक लड़के बीच में घुसना ही घुसना है, उसी कंबल में कोई नहीं घुसता, तो वो फिर बीच में घुस गई और इन दोनों को सॉर्ट करने जगह लगी। थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा चलता रहा इनका, फिर वही पारस वारस वही जफियां वफियां चलती रहती है, वही अगर किस ले ली पपी ले ली बस वो द्वारा सॉर्ट आउट हो गया इन दोनों का। दोस्तों एक बार बीच में क्या हुआ, जो अपना आरती थी उसने अपने फेस पे कोई फेस पैक लगा रखा था, तो उसने क्या किया अपना रात का टाइम था वो अंदर से चुपचाप भागी, जबकि सब घर वालों को पता था, शहनाज लगे जोर से डराना शुरू कर दिया, शहनाज हुई शक्ल लेके वो भागी, वो डरी सारो और हंस हंस के सब लोगों का बुरा हो गया और शहनाज यहाँ डर के भरी। और यही उसके बाद सुबह सिद्धार्थ इकट्ठे हुए बिग बॉस का, बिग बॉस बिग बॉस ने सबको इकट्ठा कर लिया, बिग बॉस ने कहा भाई अब जो सिद्धार्थ शुक्ला को कैप्टन बनाया गया था उसकी अवधि यहीं खत्म होती है, और नए तुमने टास्क रद्द कर दिया था कैप्टनसी टास्क, तो आगे जब इस घर का कोई भी कैप्टन नहीं है तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और बिग बॉस ने ये भी अनाउंस कर दिया भैया अब एक प्रक्रिया बाहर से के लोग आने वाले हैं उनसे स्टार्ट होने लिए, तो तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे हर एक मैंने आपको बताया था कि हर एक बिग बॉस 12, 13, 11 सब में कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, यहाँ पे बिग बॉस में कॉन्फ्रेंस आई, बिग बॉस ने वही कहा सबका वेलकम है, बिग बॉस ने कहा इस बार सबसे ज्यादा नहीं तो हमेशा जितने भी प्रेस के लोग आते थे बहुत कम आते थे, इस बार सबसे ज्यादा आए हैं क्योंकि बिग बॉस की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे बिग बॉस ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो सबने बारी बारी क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई कौन से न्यूज चैनल से था, कोई किस न्यूज पेपर से था, तो कोई मैगजीन से था, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने क्वेश्चन पूछ लिया, शहनाज से पूछ लिया, पारस से पूछे, आसिम से पूछे, रश्मि से भी पूछे गए और ज्यादातर तो इनसे ही पूछे गए क्वेश्चन, मायरा से कभी पर थोड़ा काम पूछे गए, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने पूछा भाई तुम्हारी लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, तुम बिग बॉस के अंदर गए थे, कभी तुम रश्मि से लड़ाई कर लेते हो, कभी आप आ जाते हैं, कभी तुम्हारी ऐसा उससे, तो सबके वो जवाब दे रहा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन आसिम से भी पूछ लिया गया भाई बाहर तेरी गर्लफ्रेंड थी तो गर्लफ्रेंड से तूने क्या बताया, तो वो कहता मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी बाहर, वो कह रहा ये तुम मानो ना मानो गर्लफ्रेंड तो है तुम्हारी, कह रहा मेरी तो प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई थी, तो उससे पूछा पारस से पूछ लिया गया भाई तुम मायरा को हमेशा सपोर्ट करते हो तो ये क्या है कि मायरा तुम्हारे साथ खेलती है, तो इन दोनों ने वही जैसे कॉमन जवाब देते हैं भाई मेरी फ्रेंड है मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, कभी वो मुझे सपोर्ट करती है। फिर बारी आई शहनाज की, शहनाज को भी फ्लिपर तुम्हें फ्लिप कहते हैं फ्लिपर होता गाना है, वो कहती क्या होता है, कहते बेपेंदी का लोटा, तो तुम्हें ये पसंद है तुम्हारा ट्रैक देना, वो कह रही मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी रहना चाहती हूँ,
मैं फ्लिपर हूँ, फ्लिपर ही ठीक है, मेरे को ये है वो है, सिद्धार्थ शुक्ला से मेरी लड़ाई हो जाती है, मैं उसको लाइक करती हूँ, ये है वो, जैसे अपने चुनौले आंसर देती है वैसे ही सेम उसने प्रेस को भी आंसर दिए। उसके बाद बारी आई अपना रश्मि की, रश्मि का सीधा पूछा अभी तो हैरान से, तुम्हारा रिलेशन है वो क्या है कि नहीं है, क्या है वो है, तो उसने साफ बोल दिया भाई मेरा आगे नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती बाहर जाके, अगर करना नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता ये रिलेशन में आगे बढ़ेगा, तो मेरा भाई अब हो चुका है, अब ये रिलेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। फिर एक प्रेस ने ये भी पूछ लिया भाई तुम जैसे पहले सलमान भाई से तुमने सामने बोल दिया जब हैरान के लिए दे रहा था कि मुझे पता था ऐसी शादी और बच्चे के बारे में, बाद में तुम अब मुकर गई देवोलीना के सामने कि भैया नहीं था, फिर उसने बताया मैं तुम्हें सब कुछ हो चुका था, तो क्लियर बताती हूँ भाई उनका एक घर पे था जो पंडित वगैरह था जो उनके बारे में बताता था कि भाई दे था, तो उसने मुझे उस टाइम बताया था भाई इसकी तो शादी भी हो चुकी है, इसे बच्चा भी होगा 5-6 साल का, तो उस टाइम ये वो कर गया कि नहीं नहीं मेरे वो था, तो मुझे उस टाइम क्लियरेंस नहीं थी, अब मुझे पता लगा तो मुझे फिर मैंने बोला कि हाँ मुझे पता लग गया इस बारे में, तो ये गोलमोल जवाब रश्मि ने उसने दिया। बीच में एक शॉकिंग भी हुआ, एक लेडी अपना रिपोर्टर थी उसने पूछ लिया अपना पारस से, पारस ऐसा कि तुम कहते हुए मिला गया तुम भाई सिद्धार्थ शहनाज के बीच में आना चाहते हो, उनकी दोस्ती तोड़वाते हैं, कह रहे नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं बोला, ये आप कभी नहीं वो कह रही बोला है। इतने में दोस्तों बिग बॉस ने फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरफेस किया और बोला मैडम आप तैयारी करके आइए, ये जो था बहुत मेहनत से करते हैं और बहुत सही थे, ऐसा कोई भी सीन नहीं देखने को मिला जहाँ पे इसने बोला हो ऐसा, तो यहाँ पे पारस ने बोला मैडम देख लो सुन लो कुछ करे, तो वहां पे प्रेस रिपोर्टर को भी बिग बॉस ने झाड़ दिया वहां पे। और बीच में आसिम से भी क्वेश्चन और सिद्धार्थ से पूछा गया भाई तुम जो लड़ते हो इतना तुम क्या पहले तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती थी फिर लड़ाई शुरू कर दिया, और बीच में आसिम से भी क्वेश्चन पूछा गया भाई जब स्टार्टिंग में तुम आए थे तब तुम बहुत असिम में दोस्त थे और बहुत अच्छी तरह कर रहे थे, बीच में एक बार क्या बाहर से बोल दिया गया तुम अपना अकेला खेलो, तुमने तो वो लड़ना शुरू कर दिया, तुम्हें मैं तुम अग्रेसर जो है तुम्हारे वही सही है, मतलब हमने तुम्हें कोई टैलेंट तो देखा नहीं है, तुम सिर्फ लड़ते ही रहते हो। तो यहाँ पे आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला को लड़ाई के ऊपर भी जो बाहर से रिपोर्टर्स आए तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने अपने वही जवाब कि नहीं हमारी पहले क्वेश्चन अच्छी थी, ये पोक करता है ये करता है वो करता है, तो ये गोलमोल वही सेम जवाब इनको भी प्रेस वालों को भी वही दिए उन्होंने। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड, आज भी एपिसोड इसी को कंटिन्यू किया जाएगा, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे कंटिन्यू चलेगी, आज फिर वही क्वेश्चन होंगे पर ये कि क्वेश्चन का थोड़ा टेम्परेचर और हाई हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले अपना शुक्ला से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, शुक्ला को पूछेगा भी जैसे सलमान भाई ने तुम्हें बोला कि भाई वार्निंग दी थी कि शहनाज से थोड़ा दूर हो ये तुम्हारे प्यार में है, तो उस टाइम के बाद देखा गया कि तुम उससे थोड़ा दूर रहने लग गए हो, तो इसका रीजन क्या यही था, तो सिद्धार्थ शुक्ला देखते हैं क्या जवाब देगा। फिर वही आसिम की गर्लफ्रेंड पे दोबारा क्वेश्चन आ जाएगा, आसिम छूरे छूटते बोल देगा भाई मैं बड़ा पॉपुलर हो गया हूँ, आज एक ट्वीट आएगा दूसरा ट्वीट आएगा, तो प्रेस कहता नहीं ये तुम्हारी जनवन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर है, तो कहेगा ये भाई सब झूठ है मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला हंसता हुआ मिलेगा कि भाई इसे पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। और दूसरा वही आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर एक और कमेंट मारा जाएगा भाई तुम ऐसा कि ये कहता है वो कहेगा मैं तुम दोनों से नहीं पूछ रहा बाकी पारस वारस सबसे ही पूछ रहा हूँ ये कि इस सीजन में देखने को ये मिला है कि जो बिग बॉस है तुम लोग बिग बॉस को भी नहीं सुन रहे, सलमान भाई समझा रहे हैं तुम उनकी नहीं सुनते, बाहर से रोहित शेट्टी आया तुमने उसकी नहीं सुनी, कहने का तार पे आसिम और सिद्ध के मेन टारगेट था, बिग बॉस बोलते रहते हैं अलग हो जाओ तुम बिग बॉस नहीं सुनते, तो तुम क्या खुद बिग बॉस बन गए हो क्या या तुम बिग बॉस से ऊपर बनना चाहते हो, तो इस चीज़ का भी आंसर आसिम और सिद्धार्थ देते हुए मिलेंगे आप। अब शहनाज से क्वेश्चन पूछे तो उसने तो आपको पता ही है नहीं नहीं मैं जीतना चाहती हूँ मैं नहीं मैं ये सिद्धार्थ शुक्ला भी आएगा मैं भी होऊंगा हम दोनों इकट्ठे होंगे फाइनल के अंदर हाथ तो मेरा ही उठेगा ये है वो है मैं वो कि तुम कहते हैं तुम गेम खेल रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, जब मन करता है तुम सिद्धार्थ शुक्ला के पास चल लेते हो जब मन करता है तुम दूर चले जाते हो, कभी मन मना लेते हो कभी करते हो तुम अकेले नहीं गेम खेल सकते क्या, बस वही नहीं मैं अकेले खेल सकती हूँ ये है वो है पर मेरी गेम तो सिद्धार्थ शुक्ला ही है मैं तो इसी को लाइक करती हूँ, तो ये जवाब भी आपको देखने को कल मिलेंगे आज। ओके दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस रिव्यू लेके, तब तक ले सत श्री अकाल कोविड वॉल।